नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। नोएडा के सूरजपुर कोर्ट ने डिजिटल रेप के दोषी 65 साल के बुजुर्ग अकबर अली को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। देश में अपने आप में यह पहला मामला है जहां किसी आरोपी को डिजिटल रेप का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई हो। अकबर अली को कोर्ट ने 3.5 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप का दोषी मानते हुए उसे ताउम्र जेल की सजा सुनाई है। घटना नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सलालपुर गांव की है। दरअसल पश्चिम बंगाल के रहने वाले अकबर अली 2019 में अपनी शादीशुदा बेटी से मिलने नोएडा के सेक्टर 45 में सलालपुर गांव आया था। वहां उसने पड़ोस में रहने वाली 3.5 साल की मासूम को टॉफी दिलाने का लालच देकर घर ले गया और उसके साथ डिजिटल रेप किया। अकबर अली की हरकतों से डरी सहमी बच्ची अपने घर पहुंची और पूरी बात परिवार वालों को बता दी। उसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मासूम का मेडिकल कराया जिसमें रेप की पुष्टि हुई और उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तभी से अकबर अली जिला जेल में बंद है। उसने सत्र न्यायालय और हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी लेकिन अपील खारिज कर दी गई। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने अकबर अली को साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर्स, जांच अधिकारी, परिजनों और पड़ोसियों की गवाही पर दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। गौरतलब है कि दिल्ली के निर्भया कांड के बाद 2013 में पहली बार डिजिटल रेप शब्द को मान्यता मिली और बाद में इसे नए रेप कानूनों में अलग सेक्शन के रूप में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर शामिल किया गया। 2013 से पहले देश में ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे डिजिटल रेप विक्टिम को न्याय मिल सके। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर डिजिटल रेप क्या होता है। डिजिटल रेप, जैसा कि सुनने में लगता है, डिजिटली या वर्चुअली किया गया सेक्सुअल अपराध नहीं है, बल्कि ये वो अपराध है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जगह किसी की मर्जी के बिना उंगलियों या हाथ पैर के अंगूठे से जबरन पेनिट्रेशन किया गया। यहां डिजिटल शब्द का मतलब इंग्लिश के फिंगर, थंब या पैर के अंगूठे से। यही वजह है कि इसे डिजिटल रेप कहा जाता है। दिसंबर 2012 से पहले देश में डिजिटल रेप को छेड़खानी समझा जाता था, लेकिन निर्भया कांड के बाद देश की संसद में नए रेप लॉ को पेश किया गया और इसे यौन अपराध मानते हुए सेक्शन 375 और पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में रखा गया। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।